नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में हाजिर हुए विंध्य की अब तक की चार बड़ी खबरों के साथ। बात कर लेते हैं पहली खबर की, जो कि मऊगंज से आ रही है। बता दें कि नई गढ़ी में स्थित वर्षों पुरानी पंच मंदिर में चोरों ने सोने चांदी सहित अन्य सामान चुरा ले गए, जिसकी कीमत करीब 30 लाख बताई जा रही है। चोरों ने CCTV कनेक्शन काट कर मंदिर में प्रवेश किया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सुबह जब चोरी की जानकारी हुई तो पुजारी ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद अब पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। चोरों से क्या इंसान क्या भगवान, सभी परेशान हैं। चोर ना तो इंसानों के घर छोड़ रहे हैं और ना ही भगवानों के मंदिर। उन्हें जब भी जहां मौका मिलता है वो अपना हाथ साफ कर गायब हो जाते हैं। मऊगंज जिले के नईगढ़ी में स्थित पंच मंदिर में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। मंदिर की सुरक्षा में लगे CCTV कैमरों को बंद कर मंदिर में लगी चांदी की परत सहित भगवान के सोने के आभूषण व अन्य सामान चोर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चुरा ले गए। चोरी की जानकारी मिलने पर मऊगंज SP सहित पूरा दल बल मौके पर पहुंचा और मौका मुआयना किया। आपको बता दें कि यह मंदिर नईगढ़ी किले के अंदर है, जिसे सेगर वंश के राजा छत्रधारी सिंह द्वारा स्थापित कराया गया था। बेशकीमती मूर्तियों के साथ ही मंदिर में चांदी की परत चढ़ाई गई थी, जिसे चोर चुरा ले गए। पंडित जी, क्या नाम है आपका? जिंदा प्रसाद मिश्रा। यहाँ आप नईगढ़ी किला के अंदर पंच मंदिर है, प्राचीन मंदिर, इसमें आप पुजारी हैं। पता चला है कि मंदिर में बड़ी चोरी हो गई है। सुबह आज आप आए हैं, क्या स्थितियाँ हम पाए यहाँ? सुबह मैं उठा हूँ तो TV जो है कैमरा में नहीं बता रही थी, तो मुझे कि नेटवर्क चला गया है। जब बाहर निकले शौच क्रिया के लिए तो दरवाज़ा खुला था, फिर उसके बाद यहीं से देख कर जो है तो हम वो हो गए अपना शौच क्रिया के लिए। तब उसके बाद सब जो उन्हें पूरा उसके बाद फिर सूचना दिए जो है तो 100 नंबर में दिए, ऊपर दिए, जयपुर में दिए। कितने की चोरी हुई होगी? लगभग 32 लाख की बता रहे थे कि सामान लगा था। क्या क्या सामान था? वही चांदी का फतोहा सकल ठोकाए थे। पूरे गुम्बज लगे थे? पूरे गुम्बज में, पिलर में, खंभा में, मतलब जो है पूरे चांदी लगी थी। पूरी चांदी लगी थी टोटल। और एक मशीन यहाँ से एम्पलीफायर ले गए हैं जो है। सर, जो आज चोरी हुई है गढ़ी में, तो उस विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? गढ़ी के मंदिर की चोरी हुई है, जिसमें लकड़ी के फ्रेम में चांदी की परत चढ़ाई गई थी, वो निकाल दी गई है। और एक देवी जी का मंदिर है, उसमें कुछ सोने के आभूषण भी चुराए गए हैं। अभी सभी का आकलन किया जा रहा है और आकलन उपरांत कार्रवाई की जा रही है। डॉग स्पॉट और फिंगरप्रिंट्स का इंतजार किया जा रहा है। जी सर, धन्यवाद। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि सतना से आ रही। बता दें कि सड़क पर दौड़ रही एक लग्जरी कार देखते ही देखते आग का गोला बन गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। गनीमत रही कि कार सवार बाल बाल बच गए। जानकारी के मुताबिक कुलगवा थाना अंतर्गत इंडस्ट्रियल एरिया मटेहना के पास रविवार रात सड़क पर दौड़ रही फोर्ड एक्सपायर कार नंबर MP19CB9198 आग की लपटों से घिर गई। उस वक्त कार पर मनोज दुबे निवास प्रेम नगर अपने साथियों लालू सिंधी व संतोष मिश्रा के साथ सवार थे और ग्राम मांद की तरफ जा रहे थे। अचानक कार के इंजन से धुआं उठता देख लालू सिंधी ने कार रोक दी। तीनों सवार बाहर निकलकर यह धुएं की वजह तलाशने लगे कि इसी बीच कार आग की लपटों से घिर गई। सड़क पर कार जलती देख आसपास के ग्रामीण भी वहां पहुंच गए, लेकिन आग की ऊंची लपटों ने उन्हें आगे बढ़कर आग बुझाने की कोशिश करने से रोक दिया। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। कुछ देर बाद पहुंचे दमकल वाहन ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक कार नष्ट हो चुकी थी। कोलगवा पुलिस घटना की जांच कर रही है। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि शहडोल से आ रही। बता दें कि जिला चिकित्सालय के महिला चिकित्सा वार्ड के शौचालय में सोमवार की सुबह एक नवजात शिशु का शव मिला, जिससे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। इस घटना की सूचना सबसे पहले अस्पताल परिसर में स्थित पुलिस सहायता केंद्र को दी गई। इसके बाद पुलिस ने नवजात के शव को अपने कब्जे में लिया और विसरा संरक्षित किया। मर्ग का केस दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि शव को देखने से प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक या दो दिन पुराना है। जानकारी के अनुसार महिला वार्ड में भर्ती एक मरीज ने शौचालय में एक नवजात शिशु का शव देखा है। इस घटना से वह बहुत भयभीत हो गई और उसने तुरंत वार्ड में मौजूद अस्पताल कर्मियों को इसकी सूचना दी। इसके बाद अस्पताल परिसर में स्थित पुलिस सहायता केंद्र में मौजूद पुलिस कर्मियों को इस घटना की जानकारी दी गई। पुलिसकर्मी तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और शौचालय से
नवजात शिशु का शव देखा। उन्होंने शव को कब्जे में ले लिया और उसका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद शव को दफना दिया गया है। पुलिस सभी पहलुओं पर विचार करते हुए मामले की जांच कर रही है। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि सतना से आ रही है। बताते कि मझगवा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे की आड़ में रंजिश भुनाने का मामला सामने आया है। कार सवार ने बाइक को टक्कर मारकर दो सगे भाइयों को कुचलने का प्रयास किया है। हादसे में दोनों को चोट आई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मझगवा थाना अंतर्गत सफ़ेद टोला के पास कार नंबर MP19ZF9713 के चालक ने बाइक सवार पंकज कुशवाहा, पिता राजकुमार कुशवाहा और उसके भाई ओम हरि केशव निवासी चितहरा को टक्कर मार दी। जब दोनों सड़क पर गिर पड़े तो कार चालक ने उन्हें कार से कुचलने की कोशिश की, लेकिन वे बाल बाल बच गए। हालांकि दोनों को चोट आई है और उन्हें मझगवा अस्पताल ले जाया गया है। घटना की शिकायत मझगवा पुलिस से की गई है। घायल पंकज कुशवाहा ने पुलिस को बताया कि वह मीडिया से संबंधित काम करता है। बालकृष्ण पांडे निवासी नई बस्ती सतना उससे रंजिश रखता है। बालकृष्ण ने इसी रंजिश के कारण उसे और उसके भाई को जानबूझकर कार से टक्कर मारी और सड़क पर गिरने के बाद उन पर कार चढ़ाने की भी कोशिश की, लेकिन जब वह नाकाम हो गया तो कुछ दूर बाद कार छोड़कर भाग निकला। मझगवा पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।